नमस्कार मंजुला आर्ट क्लासेस में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं राखी। आज आप सबको बताएंगे यह बटरफ्लाई राखी बनाना। बटरफ्लाई राखी बनाने के लिए पहले कटिंग कर लिए हैं, उसके ऊपर वेलवेट को फेविकोल से चिपका दिए हैं। और यह सामग्री है, यह चेरी का बीज है और कपड़े का फूल है और मौली धागा, इस सब से हम आपको राखी बनाना बताएंगे। आप लोग घर पे ही राखी बनाइए और मार्केट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, क्रोशिया लगेगा, ऊन, मौली धागा, इसी सब से बनाएंगे। इस प्रकार सबसे पहले क्रोशिया से ऊन की ऐसे बुनाई कर लेंगे, जितना बड़ा चाहिए उतना। देखिए इसी प्रकार मौली धागा से भी एक ऐसे लड़ी बना लेंगे क्रोशिया के जरिए, जितनी हमें लंबाई चाहिए उतनी इसको भी बड़ा रखेंगे। और जैसे कि ये बन चुका है, इसको इतना बांधने के लिए ऐसे बचा के इसको ऐसे करेंगे, ऐसे इसको लपेट देंगे। आखिरी छोर पे चाहे तो गठान लगाएं या फेविकोल से चिपका सकते हैं। ये देखिए, ऐसा करने के बाद इसके ऊपर यह बटरफ्लाई बीचों बीच चिपकाएंगे ऐसे, तो ये बटरफ्लाई राखी हमारा तैयार हो जाएगा। इसको फेविकोल से चिपका देंगे। ये राखियां तैयार हो गई हैं। अब इसमें यह चेरी का बीज इस प्रकार, देखिए हमने इस प्रकार चेरी का बीज इसमें, ताकि यह सुंदर भी लगे। बटरफ्लाई में ये लगाएंगे। बटरफ्लाई के लिए पहले कागज में कटिंग कर लिए हैं, उसके ऊपर वेलवेट की कटिंग करके लगाए हैं। सभी मौली धागा और ऊन से ही बना है। ये देखिए, यहाँ भी चेरी का बीज और ये कपड़े का फूल है। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।